भारतीय रेल देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती रेल, हमें अपनों से मिलाती रेल, दूरियां घटाती रेल, 130 करोड़ देशवासियों का भरोसा, मोदी सरकार में ये भरोसा और मजबूत हो रहा है। हमारी प्यारी रेल गो ग्रीन की पटरी पर भी तेजी से दौड़ रही है। रफ्तार इतनी तेज है कि 2030 तक ग्रीन रेलवे का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। भारतीय रेल को पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित करने के लक्ष्य के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की जा रही हैं। दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण हो जाएगा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जरिए रेलवे के बिजली ग्रिडों को बिजली की आपूर्ति देने पर काम चल रहा है। रेलवे ने व्यस्त मार्गों के विद्युतीकरण का 63% काम पूरा भी कर लिया है। 2009 से 2014 के बीच की तुलना अगर 2014 से 2020 से की जाए तो 2009 से 2014 के बीच केवल 3,835 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ, जबकि 2014 से 2020 के बीच 18,605 किलोमीटर। काम की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोविड के दौर में भी 365 किलोमीटर प्रमुख संपर्क रेल मार्ग का काम पूरा किया गया है। 900 स्टेशनों समेत विभिन्न इमारतों पर 100 मेगावाट क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। 400 मेगावाट के पैनल लगाने पर काम चल रहा है। रेलवे 51,000 हेक्टेयर जमीन पर 20 गीगावाट वाला सोलर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। भेल की सहायता से 1.7 मेगावाट का प्लांट बीना में लगाया गया है। वहीं पवन ऊर्जा की बात करें तो 103 मेगावाट क्षमता के प्लांट पहले से ही लगे हुए हैं। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान व कर्नाटक में 200 मेगावाट के प्लांट लगाने की तैयारी है। रेलवे अपने स्टेशनों में और इमारतों में 100% एलईडी बल्बों का इस्तेमाल कर रहा है। रेलवे के पास 505 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें हेड ऑन जनरेशन तकनीक इस्तेमाल में लाई जा रही है। इससे हर साल 70 मिलियन लीटर डीजल बच रहा है। इतना ही नहीं, 59,000 यात्री डिब्बों में 2,44,000 जैव शौचालय बनाए जा चुके हैं। हमारी छुक छुक रेल आज जिस मुकाम पर पहुंचने को तैयार है उसमें मोदी सरकार की कड़ी मेहनत और बड़े बड़े सपनों का अहम रोल है।